बैन कम होने के बाद श्री संत हुए भावुक, जताई इस ख्वाहिश को पूरी करने की इच्छा। भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके इस श्री संत का आजीवन प्रतिबंध घटाकर 7 साल का कर दिया गया है। प्रतिबंध हटने के बाद श्री संत ने कहा है कि अगर उन्हें दोबारा राष्ट्रीय टीम में मौका मिलता है तो उनकी कोशिश टेस्ट में 100 विकेट का आंकड़ा छूने की होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल DK जैन ने उनके आजीवन प्रतिबंध को हटाने के आदेश दिए थे। श्री संत इस बात से काफी खुश हैं। लोकपाल ने श्री संत पर फैसला सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए आदेश के बाद दिया है। अदालत ने जैन से कहा था कि वह श्री संत की सजा तय करें। श्री संत पर IPL 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था। जैन ने मंगलवार को फैसला किया कि श्री संत का प्रतिबंध 12 सितंबर 2020 तक रहेगा। प्रतिबंध हटने के बाद श्री संत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, जो मैंने आज सुना उस बात से मैं काफी खुश हूँ। मैं अपने सभी शुभ चिंतकों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। उनकी दुआ कबूल हो गई है। उन्होंने कहा, मैं अब 36 साल का हूँ और अगले साल 37 साल का हो जाऊंगा। मेरे अभी टेस्ट में 87 विकेट हैं और मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने करियर का अंत 100 टेस्ट विकेटों के साथ करूं। मैं आश्वस्त हूं कि मैं भारतीय टेस्ट टीम में वापसी कर सकता हूं। मैं हमेशा से विराट कोहली की कप्तानी में खेलना चाहता था। श्री संत केरल के ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने भारत के लिए 27 टेस्ट मैचों में 87 विकेट लिए हैं। वहीं 53 वनडे मैचों में उनके नाम 75 विकेट हैं और 10 टी20 मैचों में 7 विकेट ले चुके हैं। श्री संत भारत की उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2007 में टी20 और 2011 में वनडे विश्व कप जीता था।